मत कर यार। अपना फोन अंदर छोड़ आया और किसके चक्कर में ये समझ के फोन, अरे कैमरा हाथ में था और वो थाई के बीच में रखा था। पर हम लोग बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग, अभी देख रहे हैं कि मिल जाए। सो अनी को फोन नहीं मिला, मतलब उनको भी फोन नहीं मिला, तो उन लोगों ने बोला कि मतलब थोड़ी देर में कॉल करना ये नंबर पे, एंड देन अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लॉस्ट ही समझो। जय माता जी। एक दिन हुआ नहीं और अभी फोन को क्या कहना चाहते हो? बाय गाइस। मिल गया पूरा दिन खराब हो गया, बट कोई नहीं यार, बहुत अच्छे लोग हैं, बस कम्युनिकेशन बहुत ट्रिकी है यहाँ पे, बट फाइनली मिल गया यार, नहीं तो मेरा तो ट्रिप खराब था, बर्बाद ट्रिप था। मेरे को बोल रहा था कि मेरी ट्रिप खराब, मतलब ट्रिप खराब हो गई, उसकी ट्रिप खराब हुई, मेरी तो हुई ही नहीं ना, मैं तो वैसे सुन रही हूँ। इसी की वजह से हुआ है ये ना। हाँ मैं तो महान बन रही थी ना कि अरे चलो घूमते हैं ट्रेन में, ये करते हैं थोड़ा लाइफ, क्या पकड़नी थी फटाफट चले जाते हैं, पूरा दिन खराब हो गया दोनों तेरी वजह से। तो या कल हम जा रहे हैं बढ़िया जगह, ये हमारा डे वन था, पूरा दिन इसमें निकल गया अभी ये कंटिन्यू होगा व्लॉग, अब ये कंटिन्यू होगा व्लॉग कल से ही है। हमने तो आउटरो तो लिया ही नहीं है, हमने बहुत अच्छा कुछ लिया है, बढ़िया चीज लिया है। तेरा बैग कहाँ है भाई साहब? अटैक आ गया ना मिनी, ये कुछ नहीं है उसके मतलब। हाँ ठीक है चलो, तो बाय, मिलते हैं कल। शुभ हुआ स्ट्रीट पे, हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं ट्रेडिशनल रामेन, जो बर्फ मत पी, ऑलरेडी ठंडा है, कल से हम बोल रहे हैं एक दूसरे को कि ठंडा नहीं गलत है, ठंडा ही पिए जा रहे हैं। और कल का मैं रीकैप देना चाहती हूँ कि कल बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, अनी ने अपना फोन घुमाया, कुछ भी नहीं हुआ, कल अनी ने फोन अपना घुमाया, फिर हम हमारा क्या होता है, अनी ने क्या घुमाया, नहीं कुछ शौक चला था, अनी ने बताओ जरा रख के क्यों आया भाई, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो फोन घुमा, थैंकफुली मिल गया, इसका नसीब था, हमारा नसीब रहता है अगर कोई चीज़ घूम जाती है तो मिल जाती है जो हम चाहते हैं, अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में भी हो तो वैसा ही मतलब मिल जाए चीज़, घूमे ही ना फर्स्ट प्लेस में, पर सेकंड प्लेस यही है कि मतलब सेकंड चीज़ यही है कि अगर घूमे तो मिल जाए, तो गिव अप नहीं किया एंड तक, गिव अप अगर मैं गिव अप करती ना तो तू भी गिव अप कर देता, अगर मैं बोलती ना कि ये भी मेरी गलती है, हर चीज़ में क्रेडिट लेना ही है, तो घूमने में भी ले रहा है, कल हमने थोड़ा बहुत शॉप किया एंड वी टुक सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये वो थोड़ा बहुत जो यहाँ का
बहुत ही मतलब हाइप्ड रात को पैंपर किया घर जाके और अपने आप को बस और कुछ नहीं है हां मेरे पैर तो अभी भी दर्द कर रहे कल की वजह से बट वी आर डिज्नी सुपर एक्साइटेड हम सो ही नहीं सिर्फ तीन घंटे पीछे इंडिया तब हमें नींद आती है अभी इतनी नींद आ रही है ना सो फार हम लोग को बहुत मजा आ रही है यहाँ पे एंड इट इज रियली गुड एंड वेरी नीट एंड क्लीन दे हैव केप्ट पूरा सिटी हम अच्छे अच्छे राइडों में बैठने वाले तो मैं अभी आपको बताऊंगी बहुत ही ये बड़ा इंट्रो हो गया मेरा चलो मिलती हूँ मैं राइडों में नहीं लाइन कितनी बड़ी है हम जल्दी आ गए ना फर्स्ट टाइम इतनी नहीं तो हम टाइम पे आते थे 9:30-9:30 फाइनली एंट्री मार ली है हमने फाइनली डिज्नी सी लेट्स गो इट्स टाइम फॉर सम कॉफी एंड सम राइड लेट्स गो कॉफी सो फर्स्ट राइड हमने बुक कर ली है हमने पास ले लिया कॉफी चाहिए बहुत ठंडी लगी थी आपकी डेली पूरी हुई हमारी So we are at like Dundra Khana. भूख लगी है इस बार मुझे बहुत भूख लगी है और हमने दो राइड्स बैक टू बैक बुक कर लिया है अभी हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हाउस ऑफ टेरर फर्स्ट वाली राइड अच्छी थी पर एक ड्रॉबैक था कि ये ना जो भी बोल रहे थे ना वहाँ पे मतलब वीडियोस में भी या वैसे वो सब अपनी होम लैंग्वेज का था तो जापानीज में ही था मतलब इंग्लिश भी नहीं था तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हमें पर इवन मतलब वैसे एक्शन समझ में आ रहा था बट वो स्टोरी लाइन वैसे समझ में नहीं आ रहा था तो वहाँ पे a little bit of disappointment, but it's okay. Warning वगैरह देते हैं तो वो तो at least मतलब English में देनी चाहिए ना हाँ मतलब हाँ instructions दे रहे थे कैसे करना है ये वो तो वो भी उनके language में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो यहाँ पे English कोई नहीं बोलता तो पर ऐसा सीन मतलब पहली बार हो रहा है जब हम पेरिस वाले में गए थे इवन तो वहाँ पे फ्रेंच लोग बहुत सारे थे बट बारिश शुरू हो गई है तो बट ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है हम फर्स्ट टाइम डिज्नीलैंड बारिश में एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसका क्वाइट गुड बट अनलकीली परेड नहीं देख पाएंगे बारिश गिर रही है ठंड लग रही है हमने मोटे कपड़े नहीं पहने हम तो जो फुल ऑन वो पहन के आए हैं ना रूनु कुछ ज्ञान दे रही थी क्या मैंने ऐसा बोला कि दिस इज ही इसलिए है क्योंकि पानी के ऊपर बना है मैंने पानी के ऊपर बना तो सी है पत्थर पे बना तो रॉक है डैम बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे और मजा आ रहा है बट आई गेस यूएस वाला ज्यादा बेटर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग
है ना, ये वाला अच्छा है बट ठीक है, बारिश भी होगी एक तो ऊपर से। तो हमने मोस्ट ऑफ जो अच्छी अच्छी राइड थी वो हमने कर ली है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक राइड एक मिनट की भी नहीं है, मतलब तो हमें एक राइड को मतलब एंटर करने के लिए हार्डली कोई 5 मिनट लगता है ब्रो, बाकी सब एक एक घंटा डेढ़ घंटा। अभी जो राइड लेकर आए हम उसका वेटिंग पीरियड इज 85 मिनट्स, तीन घंटे नहीं, डेढ़ वन एंड हाफ आवर, पर 3 घंटे का भी दिखा रहा था। तो और वो राइड कितने 40 सेकंड्स की, भाई मैं ऐसे ही वेट करके जाऊंगा ना इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा ना। और हम ऐसा सोचे कि अब भी होगा और तब तक राइड हो गया, बस खत्म हो गया, अब तक राइड ही खत्म, मतलब एक ड्रॉप दैट्स इट। वेरी स्टूपिड, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया राइड के लिए बस ये दिखाने के लिए, मतलब एक और राइड दे, मतलब एक और वो कर दो ऐसा। और अकॉर्डिंग टू देम ये रियली नॉट क्रिटिसाइजिंग बट दिस इज व्हाट वी फेल्ट, मतलब यूएस के डिज्नीलैंड में गए अमेजिंग, पेरिस में गए अमेजिंग, बट ये वाला आई गेस इमेजिन अभी सही है यार। और मुझे बोल रहे हैं कि सी जो डिजनी सी है दैट इज मोरली फॉर एडल्ट्स, बट जो एडल्ट राइड तो अच्छा नहीं है, डर का तो मुझे दिखा दिया अभी तक, और वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड डिज्नीलैंड झूले यार राइड्स जिसमें हम बैठे, इससे अच्छा जो फर्स्ट राइड थी उसमें इतना डिसअपॉइंटेड थे हम जाने से पहले, फॉर्चुनेटली वो अच्छी निकली और अच्छे मिनट की थी, बाकी सब तो इतनी पर हमने ये लिया। हम थोड़ा राइडिंग फ्रीक है, थोड़ा जब तक 10 बार ऐसे उल्टी ना हो जाए, उल्टी जैसा मन ना हो जाए तब तक मजा ही नहीं आता। ये हमने लिया ये मिनी और हमने ये भी है, इसमें भी कैप्स वगैरह है, पर जिसमें आपका सिर 10x हो जाता है बड़ा इतना। अभी हम चुरोस खा रहे हैं, चुरोस आज परेड वगैरह सब मिस हो गई है बिकॉज बारिश हो रही है, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, परेड कैंसिल हो गई है, तो कोई फायरवर्क्स होते हैं वो कैंसिल हो गए, बस अभी हम थोड़ा शॉप करेंगे, थोड़ा देखते हैं टॉय स्टोरी की कोई ना कोई राइड वगैरह लेते हैं, देन चुरोस चुरो बॉय कैसा टेस्टी है अच्छा है, बट इसके साथ चॉकलेट होती है और अच्छा लगता है, डिप ना अच्छे, नॉट बैड, पर इंडिया में अच्छी मिलती है जहाँ से हम खा रहे हैं, चूरो चूरो फैक्ट्री नहीं चूरो समथिंग कुछ कैफे है जोमेटो पे। तो घूम फिर के यही आना था, इंडियन फूड आज मन कर गया इंडियन फूड खाने का, कितने दिन से सूप सूप ही पी रहे हैं। तो हम लोग डिज्नी से आए, घूमने गए, सो गए, ब्रूनो के बाल फुल ऑन मेसी हो रखे बिकॉज यहाँ पे ड्रायर ही नहीं, मेरा ड्रायर डायसन नहीं चल रहा, मेरे को यहाँ पे मेरे को लेना पड़ा स्ट्रेटनर, अभी लियो मैं तो उसके कपड़े का मुझे मतलब शॉपिंग कपड़े कपड़े वो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करें, आज का दिन भी मतलब ऐसे ऐसे ही गया, पर डिज्नीलैंड गए थे तो वो हो गया था, अभी कल पता नहीं अभी कर रहा है कुछ तो प्लान, आई डोंट नो। बनाने आए हैं हम मिठाई यहाँ की, क्या बोला किरियाची हैं, किरियाची किरियाची बना रहे हैं हम, एंड ये अभी बनाई है हमने, एंड ये डुक्कर बना रही मैं पिकाचू बना रहा हूँ, लेट्स सी क्या खान बना रही हूँ, लेट्स सी क्या बट क्या है, बहुत बहुत प्रिटी एम्बियंस है यहाँ पे, बहुत हमें एक्चुअली ना मैं हम यहाँ से ना ओसाका जाने वाले हैं, ओसाका में मुझे जापानीज उसमें रहना था घर में। ओह
माय गॉड क्या क्यूट लग रही है तेरे बाल क्या क्यूट किए हैं ओह माय गॉड आई गेस तेरा बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट है मुझे लग रहा है तेरा बहुत क्यूट लग रही है सर पर लाइक बहुत प्यारी लग रही है बहुत क्यूट है मार दिया चलो लेट्स गो नहीं बहुत बहुत क्यूट था बहुत अच्छा था इंग्लिश में था पूरा जो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑब्वियसली पूरा समझ में आया लोग कि टी सेरेमनी क्यों होता है यहाँ पे वेपन्स प्रोहिबिटेड होते हैं मतलब पहले के एंशिएंट टाइम में ये जैसे इनके बॉर्डर्स हैं यहाँ पे पैर नहीं रखते ये लोग मतलब वो सब छोटी छोटी मतलब हिस्टोरिकल चीजें बना हुआ है हाँ जैसे अपने चटाई होती है वैसे इनकी ये बड़े अच्छा है बट आई गेस ये तो इनके ट्रेडिशन के टाइम में पहनते हैं ऐसे रोज तो भाई द पेट सब इतना अंदर हो गया है वेरी क्यूट बहुत अच्छा है लव्ड इट लव द टी मार्चा आज पहली बार अच्छी भी है मैंने लिटरली आज ओरिजिनल और अच्छी मतलब ट्रेडिशनल वे में बनाई हुई और अच्छी वो डेमोंस्ट्रेशन बहुत अच्छा दे रहे थे अभी चलते हैं बाहर थोड़ा गार्डन वार्डन में फोटो लेते हैं लेट्स गो थैंक यू फॉर एज अ पर्सन हु मेक दिस मे दिस और लाइक दैट फॉर योरसेल्फ ओके इटादाकिमासु मोर ऑफ दिस थैंक यू यू रेडी फॉर फेट नाउ ओके थैंक यू हेलो क्लास इज डन एंड अभी हम खा रहे हैं बहुत भूख लगी है पूरा खत्म करने वाले हैं एक बहुत अच्छा बनाया हमने बहुत अच्छा हमें एक बहुत अच्छा है यहाँ की स्किन को क्या हो गया मुझे फुल लश्कारे मार रही है चुप करो लश्कारे मार रही है देख मार नहीं थी मेकअप तूने किया लग ऐसे रहा मैंने किया देख नो मेकअप लुक जस्ट इट्स इन द सेम बॉटल एज द मिरर ओह ओके Got it. Looks weird. खा रहे हो ना? नहीं बंदा। खा के बोलती हूँ। मेरे पास भूख लगी थी। Heat it. Oh. And enjoy warm packaging. Like a hot toddy. Okay. Yeah. And the center one is a kind dry one. Okay. बोलते कि धमकी दे रही कोई नहीं ऐसे खा ले कटोरी में डाल के खाएगी सिर कान तोड़ उसका सिर सीधा बाइट कर कान सुन ना ये निकाल निकाल दूं बाइट कर कान बाइट कर अरे मैं मजाक नहीं कर रहा ये दूध है क्या ओह तेरे को तो पसंद नहीं है कस्टर्ड हाँ अभी टैडी का दे दिया तो बढ़िया है पकड़ मुझे भी कान तोड़ने दे उसका एक सॉरी ब्रो कर दे बंद बेटा